हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि आज निफ्टी का वेडनेसडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल थर्सडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अभी अपन निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज अपन को फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलती। उसके बाद अपन को अराउंड, अगर अपन देखेंगे तो अराउंड 10:30 बजे तक एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला था, जिसमें अपन को एक ये वाली ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिलती जो कि थी ये वाली ट्रेंड लाइन, और डाउन साइड से भी एक अपन को ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिलती जो कि थी ये वाली ट्रेंड लाइन, और ये एक अपन को एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बनते हुए देखने को मिला, और इस पैटर्न का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और जैसे ही इस पैटर्न का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला 10:45 वाली कैंडल से, वहाँ से एक अपन को बहुत अच्छी अपसाइड की एक रैली देखने को मिली है, जो कि एक हमें बहुत अच्छा अपसाइड का प्राइस एक्शन बनाते हुए हायर हायर लो फॉर्मेशन करते हुए ऊपर का एक मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि था 500+ पॉइंट्स के आसपास का। तो जो भी ये ट्रेंड लाइन मार्के होंगे उन्हें एक बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में ट्रेलिंग की मदद से कैप्चर करने में देखने को मिला होगा। और लास्ट में निफ्टी क्लोजिंग अराउंड 22,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। तो ये था निफ्टी का वेडनेसडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहे निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो हमें आज की कैंडल देखने को मिली वो एक अपन को इनसाइड कैंडल देखने को मिली, क्योंकि जो हमें ट्यूजडे की कैंडल देखने को मिलती वो एक हमें बिग बार बियरिश कैंडल देखने को मिल रही थी। अब एक हमें बड़ी रेंज बनती हुई देखने को मिली, तो इस रेंज के अंदर हमें कुछ दिनों तक वॉलेटाइल मोमेंटम निफ्टी में कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपन को देखने को मिल सकता है अपसाइड में, वो रहेगा पहले 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तभी एक हमें यहाँ से बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगी, जिसमें कि फिर टारगेट अपना ऑल टाइम हाई लेवल जो कि है 23,340 तक के देखने को मिल सकते हैं। और वही बात करें डाउन साइड की, तो अब डाउन साइड का मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगा जब वापस से 22,000 के नीचे हमें सस्टेन करते हुए देखने को मिलेगा निफ्टी। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो एक अपन को डाउन साइड की मोमेंटम यहाँ से वापस से बनते हुए देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 21,281 तक के देखने को मिल सकता है। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच में मोमेंटम करे, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे एक अपन को स्कैल्पिंग के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड अपन को एक अच्छे कुछ पैटर्न्स बनते हुए देखने को मिलेंगे, तो एक अपन को उनके ब्रेकआउट पर एक अच्छा एक स्कैल्पिंग मूव इस बड़ी रेंज में हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। पर एक अपन को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इन दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ही देखने को मिलेगा। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस के अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंट और कहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहां डिस्कस करेंगे कल वीकली एक्सपायरी थर्सडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे बुलिश मोमेंटम अपन को कहां देखने को मिल सकता है। कल बुलिश मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, जो कि अराउंड 22,700 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तो एक अपन को यहाँ से बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट रहेगा पहले ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 22,880 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट रहेगा 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर अपना टारगेट ये वाला स्विंग लेवल देखने को मिल सकता है, जहाँ से एक अपन को एक बियरिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने को मिला था, जो कि है 23,160 का लेवल। और अपना फिर सीधे फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग लेवल जो कि है ऑल टाइम हाई 23,340 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में। अगर 22,700 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तो अब चलिए देखते हैं बेयरिश मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकता है। बेयरिश मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल के नीचे सस्टेन करे, जो कि है 22,213 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो एक अपन को यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम बनते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट रहेगा पहले ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 21,960 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाले स्विंग लेवल तक का देखने को मिल सकता है, जो कि है 21,820 का लेवल। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 21,725 का लेवल। अपना फिर सीधे जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फाइनल टारगेट 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में। अगर 22,213 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है निफ्टी, तो और किसी ट्रेंडिंग मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का देखना पड़ेगा, जो कि है 22,700 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 22,213 का लेवल ब्रेक डाउन करे, तभी एक अपन को अच्छी ट्रेंडिंग मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है कल वीकली एक्सपायरी के दिन। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे।
डाउन साइड से एक अपन को ट्रेंड लाइन बनती देखने को मिली, जिसको अगर अपन इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिली है सपोर्ट की तरह। और वहीं अगर एक ऊपर से एक अपन इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करेंगे और ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो ऊपर से भी एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी इन ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करें उस तरफ एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में या कुछ अपन को एक अच्छा प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिले या फिर कोई एक हमें रेंज बनते हुए देखने को मिले और उसमें एक हमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिले और सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ इंट्राडे के लिए लेवल्स टेलीग्राम और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।